मैं वो चीज करने जा रहा हूँ जो यार मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया, पहली होंडा शाइन होगी जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट पास पे जा रही है। आज बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। उठ जा उठ जा। चले जा रहे हैं और धीरे धीरे हमारे हाथ फ्रीज होना स्टार्ट हो गए। बहुत बहुत ठंड है यहाँ। 18,160 फीट पे आ गई है हमारी होंडा शाइन। जो लोग कहते थे ना इस बाइक से नहीं हो पाएगा, देख लो इस बाइक से कर दिखाया हमने। यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप, हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। क्यों भाई तैयार हो? तो रेडी है। क्या करने जा रहे हो आज? वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पांडे व्लॉग्स। तो आज एक फिर से नया इतिहास रचने जा रहे हैं हम। मेरे साथ दो लड़के हैं राजस्थान से, एक हैं केरला से और मैं हूं दिल्ली से। हम चारों जा रहे हैं उमलिंगला पास, जिसकी हाइट है 19,100 समथिंग, एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट वहां चल के आपको बताएंगे। कल तो मतलब यार मैं डिसाइड कर ही लिया था, जैसा मैंने आपको बताया ना कि यार डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो फाइनली डिसाइड हो गया है कि भाई वर्ल्ड के हाईएस्ट पास पे जा रहे हैं हम लोग। और फिलहाल अभी सुबह के बज रहे हैं 6, तो 2.5 घंटे जाने में, 2.5 घंटे में आने में, बाकी देखते हैं, रोड के ऊपर डिपेंड करता है। और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और अजीब सी एक्साइटमेंट है यार कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। मैं वो चीज़ करने जा रहा हूँ जो यार मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया, वर्ल्ड के हाईएस्ट पास पे जा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो, पहली होंडा शाइन होगी जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट पास पे जा रही है। चलो लेके चलते हैं, दिखाते हैं कहानी आपको। फाइनली सब लोग तैयार हो चुके हैं भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। आज बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो यहाँ से बाहर निकलोगे ना, आगे बोर्ड लगा होगा। हाँ, इसके आगे फोटीला रोड। अच्छा, वो रोड पकड़। अच्छा अच्छा, आपको लगेगा टाइम लगेगा अभी? अच्छा अच्छा, चलो धीरे धीरे वहीं पहुंचते मोड़ पे, ठीक है। जय माता रानी की, अच्छे से ले जाना और अच्छे से ले आना। चलो जी, फाइनली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहे हैं हमारी होंडा शाइन 125 cc पे। हमने सारा सामान छोड़ दिया यार यहीं पे अपने रूम में, ताकि यार गाड़ी थोड़ी हल्की रहे और आसानी से उस पास पे चढ़ पाए। कल यार मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था यार कि जाना है कि नहीं जाना है, बहुत मतलब कंफ्यूज था कि जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन इन भाइयों ने यार बोला कि भाई यहां तक आए हो तो यार वर्ल्ड रिकॉर्ड तो यार बनाना चाहिए आपको, कोई शाइन नहीं गई होगी अभी। बोल बोल के इन्होंने भाई कर दिया। चलो कोई नहीं, कर लेंगे यार, ये भी मनाली पहुंच जाएंगे आराम से, रोज रोज थोड़ी आ रहे हैं हम यहाँ। आज मेरा प्लान वैसे था यार मनाली निकलने का, क्योंकि यार आज 7वां दिन है मेरी ट्रिप का और ज्यादा दिन हो गया ट्रिप पे यार, घूमते घूमते टायरिंग सा हो रहा था, इसलिए मैं सोचा यार निकल जाऊं। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, भगवान चाहता था कि चलो आज तुम्हें यहाँ ले चलते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ फिर जाओ दिल्ली। और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। और रात को तो यार सर दर्द हो रहा था मेरा काफी, और ना मुझे सपने आ रहे थे यार उमलिंगला की तैयारी के। ऐसा सपना आ रहा था कि यार मतलब बहुत सारे राइडर हैं और बहुत सारे राइडर्स के ना बैग पैक हो रहे हैं, हम जा रहे हैं उमलिंगला पास करने के लिए, ऐसा सपना आ रहा था मेरे को। मतलब यार एक्साइटमेंट थी ना उस चीज की, इसलिए सपना आ रहा था। और मेरा सर भी दर्द हो रहा था यार, रात भर मैं ठीक से सो नहीं पाया, तो सुबह उठ के मैंने एक सर दर्द की दवाई खाई, एक डायमोक्स खाई, फिर उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ उमलिंगला पास करने के लिए अपने होंडा शाइन 125 cc पे। ये लगा भाई आई लव हनले का बोर्ड, तो यहां से हमें लेना राइट। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ये है वो टर्न जहां से आपको जाना है। यहाँ पे लिखा है आई लव हनले, यहाँ देखो लिखा है वे टू उमलिंगला 92 किलोमीटर, वीवा फोटीला टॉप। यहाँ से हमें जाना है उमलिंगला पास के लिए। आप लोग भी जब आओगे तो हनले विलेज उस साइड है, इस साइड लोमा से आते हुए हनले विलेज चले जाओगे, यहाँ पे स्टे करने के बाद अगर आप सुबह आओगे तो यहाँ से आपको जाना है उमलिंगला पास। चलो फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पे,
हमारे सारे राइडर आ चुके हैं। ये टिन 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 कर रहा है, इसको जरा सही करता हूँ मैं। ये बाइक चलते समय ना टुन 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 कर रहा था। चलते हैं अब। जय माता दी। उमलिंगला पास आ रहा हूँ मैं। भगवान सब अच्छे से करा देना। हानले का अल्टीट्यूड है 15,300 फीट और हमें जाना है 4,000 और ऊपर। चढ़ाई तो देखो यहीं से स्टार्ट हो गई भाई। तीसरे गियर में चल रही है बाइक। फुटीला है 54 किलोमीटर अभी यहाँ से और उमलिंगला 92 किलोमीटर है यार। कल तो सब 45 45 बोल रहे थे। चलो अब निकल गए तो चल ही लेते हैं भाई। रोड काफी अच्छे मिले हैं अभी तक तो इसलिए अभी कोई दिक्कत नहीं है। अपनी शाइन अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन ऊंचाई धीरे 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 बढ़ रही है तो थोड़ा पावर मांग रही है शाइन। भगवान करे रोड ऐसे सही रहे भाई। A few inches later. क्या वो ब्रेक फेल हो गया? किस किट हो गया? स्किड हो गया होगा। देखो टर्न लेने में ना कभी कभी हम साइड में हो जाते हैं। लग रहा है वो कभी कभी स्पीड में ना ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कई बार कि हम नीचे उतर जाते हैं चक्कर में। वो गाड़ी कंट्रोल नहीं होती। हाँ धीरे धीरे चलो भाई सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है ना बाइक में? चलो आओ। A few inches later. चलो जी फाइनली बाइक में जो इशू था यार सही कर दिया उन्होंने और वापस चल रहे हैं भाई। अब थैंक यू गॉड मदद करने के लिए। बस सही सलामत पांचों को ऊपर पहुंचा देना उमलिंगला पास तक। तो अभी की सिचुएशन हमारी ये है कि भाई हम आ चुके हैं तकरीबन 12 किलोमीटर जहां हमारी हाइट हानले में 15,300 फीट थी उससे ऊपर 12 किलोमीटर हम आ चुके हैं बाय रोड। लेकिन हाइट कितनी है अभी कोई साइन बोर्ड दिखा नहीं है कि कितनी हाइट पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से फोटीला 39 किलोमीटर है। ये वाला हाथ फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब राइट वाला हाथ मूवमेंट कर रहा है, लेफ्ट वाला भी कर रहा है लेकिन कम कर रहा है जहाँ गियर लगाने की जरूरत पड़ रही है सिर्फ वही मूवमेंट कर रहा है। यहाँ के जो शार्प टर्न है उस पर आपको संभाल के चलाने की जरूरत है क्योंकि इस पर हल्की हल्की बजरी आपको मिलेगी तो स्लिप होने के चांसेस पूरे हैं। कहीं कहीं ऐसा आ रहा है कि मतलब फर्स्ट गियर में भी आपको फुल रेस देना पड़ रहा है चढ़ाने के लिए और कहीं कहीं आराम से दूसरे तीसरे गियर में भी ऊपर जा रही है बाइक। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी मेमोरीज के लिए, अपने ट्रेवल जर्नी के लिए, अपने यूट्यूब के लिए और जो ये वीडियो देख रहा है उसके लिए कि मैं उमलिंगला पास पे किस तरीके से पहुंचा था। बाकी सब माता रानी का आशीर्वाद है, सब पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। अब यहाँ देखो पूरी चढ़ाई है, पूरा जोर लगा रही है गाड़ी ऊपर चढ़ने में। अभी मैं दूसरे गियर पे हूँ, ज्यादा स्पीड कम हो जाती है तो फिर मैं फर्स्ट गियर कर लेता हूँ। इस पे मेरा अगल बगल बहुत कम ध्यान है कि आसपास के नजारे क्या है, पूरा ध्यान मेरा रोड के ऊपर ही है कि मैं रोड पे बहुत अच्छी तरीके से बाइक चलाऊं, कोई मिस हैपनिंग ना हो। यहाँ पे देखो बाइक ना बहुत पावर मांग रही भाई। ये दो बंदे बैठे थे, एक को उतारना पड़ गया। हा 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 भाई चालू है, चालू है। या ला लाले लाले लाल है, इससे क्या गर्म करोगे भाई? ज्यादा एक्टिविटी मत करो भाई इधर। वो सब पहाड़ तो एकदम छोटे छोटे लग रहे हैं, बच्चे हैं ये सब, एकदम जम रहा है भाई ये तो। ब्रेक डालने के लिए सोच ही आ रही है पर फिंगर नहीं उठा रही। रुको यार जरा सुसु कर लो यार जरा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कहाँ, फोटीला 18,124 फीट।
वर्ल्ड्स सिक्स्थ हाईएस्ट मोटरेबल पास। क्या हवा चल रही भाई। फ्यू मोमेंट्स लेटर तो फाइनली हमने क्रॉस कर लिया है वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिक्स्थ मोटरेबल रोड 18,160 फीट पे। अमेजिंग फीलिंग है लेकिन भी फट रही है भाई। बहुत ठंड है इधर, बहुत हवा है, हाथ एकदम जम गए। बहुत बहुत ठंड है यहाँ। सूरज की रोशनी तो है लेकिन ठंड भी बहुत लग रही है। अभी तो हमें और ऊपर जाना है, 19,000 पे जाना है हमें, 1,000 फुट अभी और जाना है हमें। भगवान थैंक यू यहाँ तक पहुँचाने के लिए, 1,000 फुट और पहुँचा दो। पेट्रोल का लेवल मेरे कट टू कट चल रहा है एकदम। भगवान जी सब ठीक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतनी ठंड जिंदगी में कभी नहीं देखी मैंने। 18,160 फीट पे होंडा शाइन राहुल पांडे लेके आ गए हैं। मैं इस तरीके से इसलिए बात कर रहा हूँ, ये सब एक्साइटमेंट में निकल रहा है बस और कुछ नहीं। 18,160 फीट पे आ गई है हमारी होंडा शाइन। जो लोग कहते थे ना इस बाइक से नहीं हो पाएगा, देख लो इस बाइक से कर दिखाया हमने। अभी उमलिंगला भी करेंगे भगवान जी के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से, मेरी मम्मी के आशीर्वाद से। चलो आगे का हाल आगे बताते हैं, ठीक है। चलो जी देख रहे हो हमारी शाइन कहाँ खड़ी हुई है, वो उस पहाड़ के पीछे से हम आ रहे हैं। ऐसे ऐसे चलते 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 बहुत सारे लूप थे, करीब 50 से ज्यादा लूप होंगे, चलते चलते ऐसे यहाँ जाना है। लेकिन हमने शॉर्टकट लिया है यहाँ से यहाँ। वो जो भाई है ना राजस्थान वाले, उनके बाइक के ब्रेक पैड वो ना गर्म हो गए, तभी थोड़ा वो रेस्ट कर रहे हैं वहीं पे, तो इसलिए मैं भी रुक गया। और हमारी शाइन देखो कुछ ऐसी लग रही है भाई यहाँ से, देख रहे हो मजेदार ना एकदम। वर्ल्ड हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, सारी चीज ओके है, बस डर है वापस आ जाए भाई हानले तक। पेट्रोल कम है थोड़ा इसमें, इन लोगों ने मुझे 45 किलोमीटर बोला था लेकिन ये 92 किलोमीटर है, 92 जाना 92 आना, ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर। पेट्रोल बस सही रहे, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आराम से चलेंगे। और लूप्स इतने सारे है ना, बहुत संभाल के चलाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा तेजी आप नहीं करना अगर आप लोग आना तो। ज्यादातर लोग यार वैसे आएंगे नहीं इधर, मेरे को ऐसा लगता नहीं है, अगर जो आएगा भी तो यार बहुत संभाल के आना, लूप इतने शार्प है ना, ब्रेक वगैरह आपकी बहुत सही होनी चाहिए। और ये जो नए टायर मैंने लगवाए थे ना, एक काम दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं भाई, थैंक यू गॉड हर चीज के लिए। चलो आगे की कहानी आगे बताते हैं। क्या नजारा है भाई यहाँ भी, लेकिन ठंड ठंड बहुत ज्यादा है। यहाँ से हमें जा रहा है चिसमुले यहाँ से है 11 और उमलिंगला है 37। बाइक तो हमारी चली जाएगी, खैर 37 किलोमीटर अभी रिजर्व में नहीं लगा। मेरे को जरा भी आइडिया होता ना 92 किलोमीटर, मेरे पास जेरिकेन भरा हुआ रखा था, मैं डाल लेता, क्योंकि ये लोग बोल रहे तो भाई 45 है पता नहीं। और कल मैंने उस ड्राइवर से भी पूछा था शाम को जब ऑब्जर्वेटरी देखने गया था, उसने बोला 45 है। अब ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी हमें, क्योंकि वहां पीछे जो फोटूला पास था वो था 18,160 पे। और क्या बोलते हैं, फिर वहां से हम बहुत नीचे उतरे। अब धीरे धीरे हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा उमलिंगला। और नबूला है 27, नबूला पास भी एक उमलिंगला से पहले।
भाई बहुत खतरनाक था, तो मुझे लगा उसमें टायर फंस जाए। यू आर अप्रोचिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफेटेरिया, हाइट है 19,024 फीट, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO। शाइन भी देखो पहुंच चुकी है भाई, सबूत है। अरे भैया मेरा भी फोटो खींच दो भैया। चलो जी फोटो वगैरह हो गई है, अब चलते हैं उमलिंगला की तरफ। आओ जी शाइन शाइनिंग। रोड काफी ज्यादा सही है और जैसे जैसे उमलिंगला पास करीब आता जा रहा है मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। और साइड में ना बोर्ड लगे हुए हैं, अभी ये आएगा तो मैं दिखाऊंगा, यहाँ नहीं दिख रहा। बोर्ड लगे हुए हैं कि यार यू आर रीचिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट पास। ये पढ़ के ना बहुत ज्यादा खुशी हो रही है भाई, और अपने आप पे प्राउड भी हो रहा है और अपनी शाइन पे भी प्राउड हो रहा है कि हम इतने साल की बाइक राइड से यहाँ तक पहुँचे हैं। देख लो वर्ल्ड के हाईएस्ट पास पे मेरी शाइन पहुंच चुकी है, इससे ऊंचा कोई भी पास नहीं है पूरे वर्ल्ड में। ओ भाई कहाँ पहुंच गए यार हम, उमलिंगला का कोई बोर्ड नहीं आ रहा भाई, कहाँ पहुंच गए। टेमचक 35 बता रहा है, वो कौन सा बोर्ड आ गया जो ये लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं भाई। यू आर ऑन हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप। ओ भाई यहाँ पहुंच गए हम, एक से एक अचीवमेंट हो रही है इस वाली राइड पे। यू आर now higher than Everest base camp. बहुत तेज हवा है भाई। फाइनली एक चीज और हमारे रिकॉर्ड में ऐड हो गया है, एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊपर हाइट पे अपनी बाइक लेके आ चुका हूं मैं, अपनी होंडा शाइन। सिंह साहब देखो अपनी साइकिल लेके आए हैं एवरेस्ट बेस कैंप से ऊपर भाई। पेट्रोल का कांटा देखो भाई रेड पे आ चुका है, मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर और होगा। बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा भाई। मायने रखता है आप एवरेस्ट बेस कैंप से ऊपर लेके आए हो अपनी बाइक, समझ रहे हो। ये भाई करके आ गया देखो उमलिंगला पास, जहाँ एवरेस्ट बेस कैंप में मैं ट्रैक करके जाने का सोचता था उससे ऊपर तो अब मेरी बाइक भी आ चुकी है। दिस इज द फीलिंग मैन, अब लग रहा है मैंने कुछ अचीव किया है यार जिंदगी में, कुछ तो किया है। भले लोग माने ना माने मेरी चीजों को, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो मान रहा हूँ। जिसको इस चीज की नॉलेज है ना वो मानेगा, जिसको नहीं पता है उसमें क्या हल, उसे तो लगेगा ऐसे ही है बेकार घूमता रहता। कोई दिक्कत नहीं, अपने कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तू मान चाहे मत मान। माता रानी थैंक यू इस अचीवमेंट के लिए। बस अब उमलिंगला पास बचा हुआ है। 5 minutes later ये देखो भाई बोर्ड दिख रहा है 1000 meters टू रीच उमलिंगला पास, बस 1 किलोमीटर है, बस 1 किलोमीटर अपनी मंजिल से हम बस 1 किलोमीटर है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। बस 1 किलोमीटर, बस 1 किलोमीटर, बस 1 किलोमीटर, बस 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कम भी हो गया होगा ना यार, इतनी दूर आ भी तो गया मैं। ज्यादा मत चलो, तुम बैठ जाओ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई, हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड उमलिंगला पास 19,024 feet। फाइनली आई डिड इट, मजेदार। एक और चीज जुड़ गई है भाई हमारी जर्नी में। We'll be right back.
कैसा लग रहा भाई आयुष? कर दिया फाइनली। किरण कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है मंथन? एक नंबर। सब लोग फोटो खिंचवा लो तब मैं आखिरी में खिंचवाऊंगा। 5 minutes later फाइनली हमने अपना ड्रीम अचीव कर लिया भाई। चलो ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हेलो किरण भाई, खुशी भाई खुशी, बहुत सारे राइडर आए हैं यहाँ। ज्यादा देर ना यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट ही रुके हम, फोटो वगैरह खिंचवाए। और फोटो खिंचवाने के लिए बहुत मारा मारी है भाई इधर, अगर भीड़ रहेगी तो मेरा खींचो। मेरा सही से फोटो नहीं आया था भाई, दोबारा मैंने खींचा, इतनी मेहनत करके यहाँ पे आए हैं भाई, ठीक है। इसलिए जब भी आओ अच्छे से फोटो खींचो, लेकिन ज्यादा देर रुकना नहीं भाई, ज्यादा देर रुकना सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम है और ठंड तो एकदम बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा। फटाफट नीचे चल रहे हैं भाई, अब नीचे उतरना है बस। भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मम्मी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, माता रानी वो माई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक नया अचीवमेंट करने का मौका दिया और मेरा साथ दिया करने में। चढ़ने में जितना ज़्यादा टाइम लग रहा था ना, उतरने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा भाई, लेकिन थोड़ा बचा के उतरना क्योंकि स्पीड अपने आप ही तेज़ हो जाती है फिर गाड़ी की। ये देखो पूरा कॉन्वॉय जा रहा है भाई बाइक का। कितनी जल्दी आ गए देखो हम नीचे, यहाँ से जाने में कितना टाइम लगा था, उसके आधे से कम टाइम में हम आ गए यहाँ नीचे। तो उतरने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उतना ही ज्यादा रिस्की भी है उतरना, ये भी जान लेना। इतने ज्यादा शार्प शार्प टर्न है ना, तो उसमें गाड़ी आपकी हवा हो जाती है एकदम, हवा से बातें करती, फिर कंट्रोल करना, फिर ब्रेक लगाना, और ब्रेक लगाने के बाद बाइक स्किड ना हो वो भी ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी उतरते टाइम। चढ़ना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उतरना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हालांकि टाइम नहीं लगता है लेकिन मुश्किल ज्यादा है भाई। अभी हमने सोटीला पास क्रॉस कर लिया है, आते समय बहुत ठंड थी भाई, वहाँ रुके नहीं हम, और रुकना ही क्यों, जाते समय देख ही लिया था हमने। अभी हमारी बाइक का पेट्रोल एकदम खत्म ही होने वाला है, रिजर्व में भी मैंने इसे 10-15 किलोमीटर चला लिया है। अभी मैंने बाइक बंद कर दी है क्योंकि यहाँ से ढलान है, तो ढलान में आराम से निकल जाएगा, तो इसलिए मैंने बाइक बंद कर दी है कि मेरा पेट्रोल बचा रहे यार, ठीक है। इसी तरीके से मैं चल रहा हूँ, नहीं तो पता चले मैं ढलान पे ही सारा खर्च कर दूँ, वहाँ पे थोड़ा प्लेन आए तो मुझे पैदल ले जाना पड़े। यहाँ पे ढलान पे न्यूट्रल में डाल दिया मैंने, अपने आप जा रही है भाई बाइक बिना पेट्रोल का यूज किए। हान ले बस यहां से यार 5 किलोमीटर रह गया बस, और अभी भी मेरी गाड़ी रिजर्व में ही चल रही है, तकरीबन 35 किलोमीटर मैंने चला लिया रिजर्व में गाड़ी, बस कट टू कट चल रही है वो, बस किसी तरह यार पहुंच गया है मेरे होम स्टे तक। वहां पे मेरे होमस्टे में भी पेट्रोल मिलता है, वैसे मेरे पास भी रखा हुआ है काम चलाओ, लेकिन एक्स्ट्रा तो यार लेना ही पड़ेगा। आप लोग भी जब आओगे यार उमलिंगला करने के लिए,
सबसे पहले देखो आपको आना है हानले विलेज। हानले विलेज आप कैसे आओगे, या तो मनाली से आ जाओ माहे ब्रिज होते हुए हानले, या तो ले से माहे ब्रिज होते हुए हानले आ जाओ। ठीक है, हानले जरूर आना पड़ेगा आपको। हानले से दो तीन रास्ते जाते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा रास्ता है, मेंटेन रास्ता है, वो यही है जिससे हम गए थे फोटीला होते हुए। तो फाइनली यार हम आ चुके हैं अपने होम स्टे, और मेरी बाइक आराम से पहुंच गई है। अब यहाँ से हम पेट्रोल वगैरह भर लेंगे और सही सलामत पहुंच गए भाई उमलिंगला पास। हमने कर लिया अपनी बाइक पे, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। और आपको भी अगर उमलिंगला पास जाना है या उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके यार मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। अभी यार खाना वाना खाते हैं, अब यहाँ से निकलेंगे हम मनाली के लिए। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते, वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।